सो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अफजल खान रील्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि नाक के अंदर जो है वैक्सिंग कैसे करी जाती है। क्या बोला तूने? तो आइए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई अगर आप लोगों ने नाक के अंदर वैक्सिंग करनी है तो आपने कुछ इस तरीके से दो स्ट्रॉ ले लेनी है, लक्कड़ के डक्के बोलते हैं कान में साफ करने वाले। कैसा लगा मेरा मजाक? इस तरीके से ले लेने और वैक्स को जो आप लोगों ने ठंडी यहाँ पे ऐसे पकड़ के ठंडी कर लेनी है और कुछ इस तरीके से आप लोगों ने जो वैक्स को इन लकड़ियों के ऊपर लगा देना है। आपके पास लकड़ी के हों चाहे प्लास्टिक के हों कोई दिक्कत नहीं है, बस सही करके उसके ऊपर वैक्स लगनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से जो आपने यहाँ पे स्ट्रॉ के ऊपर इसको वैक्स को लगा लेना है। थोड़ी सी आपने इसके ऊपर फूंक मार दी ताकि ठंडी हो जाए, गर्म गर्म नाक के अंदर ना लगे। तो अब थोड़ा सा क्लोज कर तब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है कि नाक के अंदर इसको इस तरह डाल देना स्ट्रो को और इस तरीके से घुमा देनी है। इससे ये होगा दोस्तों जितने भी नाक के अंदर बाल होंगे सारे इसके अंदर जो फंस जाएंगे। इसी तरीके से गाइस आप लोगों ने जो दूसरा स्ट्रो है उसके ऊपर भी वैक्स को लगा लेना है। कुछ इस तरीके से वैक्स के ऊपर लगा लेना है। और इस वैक्स को भी आप लोगों ने इसी तरीके से यहाँ पे नाक के बीच में डाल के ऐसे घुमा देना है। ये घुमाने से ये होगा कि जो नाक के जितने बाल हैं सारे यहाँ पे आ जाएंगे। मुंह से सांस ले और अपने क्लाइंट को बोलना कि नाक से सांस न ले, मुंह के अंदर से सांस ले। इससे ये अगर नाक से सांस लेगा तो नाक से ली नहीं जाएगी क्योंकि स्ट्रो पे निकल जाएगी। तो आपने एक दो मिनट जो है इसको छोड़ देना सही करके ठंडी होने देनी। इससे जो ना सारे बाल चिपक जाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो है वैक्स भाई की सूख गई है, हम लोगों ने इसको निकालना है। तो भाई दांत बंद कर ले अपने जरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस तरीके से पकड़ना है और साथ साथ एकदम खींच देना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने इसके भाई के बाल जो है यहाँ पे सही करके बिल्कुल नाक में से निकल गए। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बिल्कुल आप देख सकते हो कि भाई की हमने जो नाक के अंदर से वैक्सीन निकाल दी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वैक्सीन का रिजल्ट कैसा है। इधर थोड़ा सा ये नाक के अंदर दिखा, भाई को नाक के अंदर दिखा। तो आप देख सकते हो जितने बाल थे भाई के सही करके यहाँ से रिमूव हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी कुछ इस तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को वैक्सीन यहाँ पे नाक के अंदर लगाना बताया, अगर आप लोग भी कुछ इसी तरीके से अच्छे तरीके से क्लाइंट के वैक्सीन करते हो तो आपके जो क्लाइंट है उसके भी नाक के बाल बिल्कुल सही करके रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और दोस्तों आप लोग किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसी तरीके की वीडियो बना करके चैनल को अपलोड कर दूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।